तो बहुत ही सुंदर ये कैंपस है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो येलो छत वाली जो बिल्डिंग्स हैं, ये नए हॉस्टल्स, ये नए अकोमोडेशन बने हुए हैं यहाँ पर। और जो ये रेड कलर की छत वाले जो दिख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन है, ये पहले हुआ करता था, अब नए हो चुके हैं। ये था हमारा मेस एरिया और ये था पुराना धम्मा हॉल। वेयर आई वाज लॉस्ट एंड आई लिटरली कुड फाउंड आई फाउंड माय सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुशीनगर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुशीनगर में धम्म काया मेडिटेशन सेंटर, जो कि विपसना मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर जाकर के 10 दिन का कोर्स करने का मौका मुझे मिला। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर आगे बिहार बॉर्डर की तरफ एक छोटा सा कस्बा है। कुशीनगर इसलिए जाना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी देह, अपने शरीर को कुशीनगर में त्याग किया था, जिसको हम परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो विपश्यना मेडिटेशन करने के लिए मैं दिल्ली से और कुशीनगर के लिए अपनी ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन पर 800 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। हमारा रास्ता वही सेम, दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे। बहुत ही घना कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आगरा से लेकर लखनऊ तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और फिर लखनऊ से गोरखपुर तक, जो नॉर्मल स्टेट हाईवे होते हैं, उनसे होते हुए मैं गोरखपुर तक पहुंचा। घना कोहरा बीच बीच में आ जा रहा है। गोरखपुर से लगभग हम लोग 50 किलोमीटर पहले हैं। 8 बज चुका है और लगभग 12.5 घंटे हो चुके हैं गाड़ी को। हमारे घर से लेकर के गोरखपुर पूरा 800 किलोमीटर था और इस 800 किलोमीटर की यात्रा मैंने एक दिन में करी, जिसमें मुझे लगभग 12.5 घंटे लग गए। रात मैंने गोरखपुर में गुजारी और अगले दिन सुबह सुबह मैं गोरखपुर में था, इसलिए मन किया कि गोरखपुर जो मठ है, गोरख धाम मंदिर जो है, वो विजिट करते हैं। सुबह उठ करके गोरखपुर धाम मंदिर विजिट किया और फिर मैं निकल पड़ा कुशीनगर के लिए। कुशीनगर जो मंदिर है, कुशीनगर जो मेन टाउन है, वहां से लगभग 6 किलोमीटर और अंदर चलकर, जब हम हाईवे को छोड़ करके और अंदर के रास्तों पर चलते हैं, तो खेतों के बीच में स्थित है ये विपसना सेंटर, जिसको धम्मकाया भी कहा जाता है। तो जानते हैं कि विपसना होता क्या है। विपसना एक मेडिटेशन टेक्निक है। बहुत सारे लोग, उनका ये कहना है कि विपसना एक वो विद्या है, एक वो मेडिटेशन टेक्निक है, जो भगवान बुद्ध ने अपने समय में खुद भी एक्सपीरियंस किया और दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान, दूसरे लोगों को भी ये विद्या बांटी, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन का उद्धार हुआ। इस विपसना कोर्स में हमें 10 दिन तक रहना होता है। तो पहले दिन जब हम पहुंचते हैं, पहले दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे मोबाइल्स और जितने भी वैल्यूएबल चीजें हमारे पास होती हैं, जितनी भी चीजें हम अपने धर्म के हिसाब से अपने शरीर पर धारण करते हैं, वो सारी चीजें जमा करा ली जाती हैं सुरक्षित तौर पर। उसके बाद हमें 10 दिन का आर्यमौन निभाना होता है। आर्यमौन का मतलब है कि जिसमें हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से इशारों में भी बात नहीं करेंगे, कुछ भी लिख पढ़ करके हम एक दूसरे से ना दिखाएंगे ना पूछेंगे, बिल्कुल अपने आप में ही हम सीमित रहते हैं। तो हमारा जो रूम था वो शेयरिंग बेसिस पे था और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सिंगल बेसिस पे भी रुके थे। इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं होता है, ये एज यू कम एज यू गेट द सर्विसेज, जैसा आता है वो उस तरीके से उसे रूम्स मिलते हैं। विपसना एक विद्या है जिसके जरिए हम अपने अंदर देख सकें और मन को समता में रखते हुए ये समझते रहें कि हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है और हर चीज का नाश हो जाएगा। हमारे अंदर जो भी संवेदनाएं, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स, जो भी सेंसेशन उठ रहे हैं, वो एक बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं और वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। ये जानते हुए, ये समझते हुए हमें अपने मन को समता में रखना होता है। विपसना मेडिटेशन जो है वो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें हमें आर्यमौन रहना होता है। जो काम हम बचपन से, पैदा होते हुए से और अभी तक कर रहे होते हैं और निरंतर करते ही रहते हैं, जो कि होता है कि बातचीत, और वहां पे हमें बिल्कुल चुप रहना होता है। उसके बाद हमें अल्पाहार, बहुत ही हल्का भोजन करना होता है, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन उस मेडिटेशन के लिए तैयार रहे। तो हमारा जो शेड्यूल होता था
वो कुछ इस प्रकार था, जिसमें हम सुबह 4 बजे उठते थे और 4:30 से 6:30 तक मेडिटेशन होता था, 6:30 से 7 बजे तक ब्रेकफास्ट, 7 बजे से 8 बजे तक हमारा अपना समय होता था जिसमें आप विश्राम कर सकते हैं, अपने नित्य काम कर सकते हैं, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मेडिटेशन करते थे, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा लंच टाइम होता था और 1 बजे से लेकर के और फिर शाम के 5 बजे तक हमारा मेडिटेशन होता था, 5 बजे से 6 बजे के बीच में हम अपना डिनर कर लेते थे, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम फिर मेडिटेशन करते थे, 7 से 8:30 बजे तक हम अपना प्रवचन जो कि एस एन गोयनका जी जो कि इस विपस्ना विद्या को जो हिंदुस्तान में लेकर के आए उनका प्रवचन सुनते थे और फिर 8:30 से 9 बजे तक मेडिटेशन करके अपने कमरों में सोने के लिए चले जाया करते। इन 10 दिनों के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे अपने बात करने की वजह से बाहर निकाल दिए गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिनको ये 10 दिन का शेड्यूल पसंद नहीं आया, वहां से आदरणीय गुरुओं से परमिशन लेने के बाद और विपस्ना सेंटर को छोड़ करके बाहर चले गए। तो इस प्रकार हमने अपने 10 दिन गुजारे। 10वें दिन हमें अपना आर्यमौन तोड़ना होता है। 10वें दिन मंगल मैत्री के साथ में, जिसमें हम सबका मंगल, इस धरती के सभी प्राणी, दृश्य और अदृश्य जितने भी प्राणी हैं, उन सब के मंगल के साथ में हम अपना आर्यमौन तोड़ देते हैं। आज हमारी विपस्ना के 10 दिन पूरे हुए और हमें मोबाइल मिला 4:30 बजे। बहुत ही सुखद 10 दिन थे ये, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। ये जो पीछे देख रहे हैं यही हमारा धम्मा हॉल था, जहाँ पे हम लोग बैठ करके 10 घंटे एक दिन में मेडिटेशन किया करते थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई, बहुत ही अच्छा, मन को बहुत रिलैक्स मिला। तो ये था हमारा मेडिटेशन हॉल, ये हमारी सीट्स यहाँ पर थी। तो इस तरीके से बाइफर्केशन होता है यहाँ पर, एक तरफ सारे जेंट्स बैठते हैं यहाँ पर और ये दूसरी तरफ यहाँ पर सारी फीमेल्स एक तरफ बैठती हैं। सामने अगर हम देखें तो ये जो 2 बड़ी सीटें हैं, ये जो हमारे गुरुजी हैं गोयनका जी उनकी, और ये दूसरी माताजी की सीट है, और ये आगे जो 2 सीटें रखी हुई हैं ये मेल आचार्य जो मेल टीचर हैं, और ये फीमेल आचार्य फीमेल टीचर के लिए। और अब हमारा सेशन शुरू होने वाला है, धीरे धीरे सारे लोग अंदर आएंगे। 6 बजे से 7 बजे तक हम यहाँ पे बैठेंगे, जिसमें हमें हिलना डुलना नहीं है, अपने हाथ पैर अपनी मुद्राएं खोलनी नहीं होती हैं। अगले दिन सुबह 4:30 से 6:30 का मेडिटेशन करने के बाद, एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही लजीज ब्रेकफास्ट करने के बाद, हमें उस मेडिटेशन सेंटर को अलविदा कह देना होता है। गुड मॉर्निंग, आज का हमारा जो दिन है वो आखिरी दिन है यहाँ पर। 4:30 से 6:30 मेडिटेशन होगा और फाइनल यहाँ से हम लोग निकल सकेंगे बाहर की ओर 2 घंटे के बाद। सुबह सुबह ये जो धम्म चक्र है, धम्मा हॉल है, ये बड़ा सुंदर लगता है। विनीत जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर 10 दिन के मेडिटेशन कोर्स करने के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफ़ी दिनों से सोच रहा था करने के लिए, बट अभी यहाँ 10 दिन रहने के बाद लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। थॉट प्रोसेस इतना क्लियर हो गया है सारा कुछ, और दूसरा ये कि दिमाग को जहाँ लगाना चाह रहा है वहाँ तुरंत लग जा रहा है, मतलब फोकस बढ़ गया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर, स्टेइंग हियर फॉर 10 डेज एंड द मेडिटेशन कोर्स? वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट इज सो सो। यस, आई एम नॉट टू मच एक्साइटेड, नॉट टू मच यूटिलाइज्ड। ओके, व्हाट अबाउट यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस एंड I really enjoyed it, and maybe the where I was lost and I literally could found, I found myself. It was awesome, yaar. Actually, we found here ki how to control our anger, how to control and yehi ki apne andar kaise dekhe apne gusse ko, apne sari cheezon ko, jo power hai, jo spiritual ek power, agar spiritual hamare andar hai, to hum har cheez ko uske tarike se dekhte hain. जिस रूप में जो चीज होते हैं उसी चीज को उस तरीके के रूप में देखते हैं। इतनी करुणा है वो हम देखते हैं, लेकिन बाहर वो कठोरता यूं दिखानी पड़ती है कि आप लोग मतलब काम कर सको अपना। माँ ने अब आपने बोल दिया सुअर पाजी, वो आया कहीं से खेल के, वो गंदे कपड़े कर लिए, लेकिन उसकी चेतना क्या बच्चे की, क्या वो उसको मतलब वो दे रहा है, जो कोई गाली दे रहा है कोई, अरे वो देख रहा है कि ये सारे कपड़े भर के आ गया, वो धोने पड़ेंगे, और तो वो प्यार की डांट है। कभी पहले इस तरीके का एक्सपीरियंस फील नहीं किया। योगा करते हैं, योगा से जो बेनिफिट मिले वो एक अपने अलग बेनिफिट्स हैं, पर योगा आसन और प्राणायाम के बाद का जो एक स्टेप है मेडिटेशन, जिसमें हम ध्यान धारणा और समाधि तक पहुंचते हैं, उसके लिए ये विपस्ना मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम अपने ध्यान को बहुत एकाग्र करते हैं और अपने भीतर हम क्या महसूस कर सकते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान होता है,
अपने मन को हम एक समता में लाते हैं, अपने मन के विचारों पर, अपने मन के विकारों पर हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन मेरे लिए और मेरे साथ के जो लोगों ने जो किया उनके साथ ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ही हमारा मेडिटेशन का कोर्स खत्म होता है उसके बाद हम शुरू कर देते हैं कुशीनगर की यात्रा, जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस स्थली को घूमने का। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने कुशीनगर के मंदिरों का किस तरीके से भ्रमण किया, किस तरीके से उन्हें घूमा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो विपस्सना मेडिटेशन के ऊपर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कुशीनगर के बारे में। धन्यवाद।